नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल MB Speak पे आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं दुष्यंत जी की। दुष्यंत जी ने गज़ल को एक नई विदा दी और उन्होंने गज़ल को हिंदी में एक नई विदा दी। यूँ तो हिंदी गज़ल हिंदी साहित्य की एक नई विदा है। नई विदा इसलिए क्योंकि गज़ल मूलतः फारसी की काव्य विधा है। फारसी से ये उर्दू में आई और गज़ल उर्दू भाषा की आत्मा है। गज़ल का अर्थ प्रेमी प्रेमिका का वार्तालाप है। आरंभ में गज़ल प्रेम की अभिव्यक्ति करने का माध्यम हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इसमें काफ़ी बदलाव आ गए। आज हिंदी गज़ल ने अपनी पहचान एक अलग तरह की बना ली है। हिंदी गज़ल को शिखर तक पहुँचाने में दुष्यंत कुमार ही हैं जिन्होंने हिंदी गज़ल की रचना कर इसे एक स्पेशल प्लेटफॉर्म दिया। प्रारंभ में वो अपने नाम से गज़ल नहीं लिखा करते थे, वो अपने नाम के साथ परदेसी जुड़ा करते थे उपनाम अपना, किंतु बाद में उन्होंने अपने ही नाम से लिखना शुरू कर दिया और वे साहित्य की कई विधाओं में लेखन लिखा करते थे। उन्होंने कई उपन्यास लिखे। उन्होंने एक मसीहा मर गया नामक एक नाटक लिखा और उन्होंने काव्य नाटक एक कंठ पिशापाई की भी रचना की और कई लघु कथाएं लिखी और उनके एक संग्रह का नाम मन के कोन है। उनका गज़ल संग्रह साय में धूप बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जो गज़ल को प्यार करते हैं आपको उनके पास साय में धूप ज़रूर मिलेगा। और दुष्यंत की जो गज़लें हैं मैं समझती हूँ वो उनके आसपास के जो सब्जेक्ट हैं उस पर वो फोकस हैं। वो केवल प्रेम की बात नहीं करते, वो अपने आसपास का जो उनका सिनेरियो है, जो परिवेश है, उसकी भी वो बात करते हैं। और मैं चार लाइनें आपको बताती हूँ, आप समझ जाएंगे कि वो कितने डीपली सोच करके अपनी गज़ल लिखा करते थे। ये सारा जिस्म झुक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा होगा, यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने वहाँ किस तरह का जलसा हुआ होगा। और दोस्तों मैं एक और उनकी बहुत ही प्यारी गज़ल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी वो बहुत अच्छी लगेगी। उसकी एक खास वजह है, हम बहुत बार बहुत कुछ सोचते हैं, हम अपने गाँव को छोड़ के भाग जाना चाहते हैं, हम अपने शहर को छोड़ के भाग जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो गलियां हमें बहुत अच्छी लगती हैं, वो हवाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ ऐसी ही बातें उन्होंने अपनी इस गज़ल में करी हैं। पर जाने क्यों माना इस बस्ती में धुआं है, माना इस बस्ती में धुआं है, खाई है, खंदक है, कुआं है, पर जाने क्यों। कभी कभी धुआं पीने को भी मन करता है, कभी कभी धुआं पीने को भी मन करता है, खाई खंदकों में जीने का भी जी करता है, ये भी मन करता है यहीं पर झर जाएं, यहीं किसी भूखे को देह दान कर जाएं, यहीं किसी नंगे को खाल खींच कर दे दें, प्यासे को रक्त आंख मीच मीच कर दे दें, सब उलीज कर दे दें, यही कहीं माना यहाँ धुआं है, खाई है, खंदक है, कुआं है, पर जाने क्यों।